हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का हैप्पी मॉम चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अमेजन से न्यू कलेक्शन के साथ एक बार फिर से नए वीडियो में आ गई हूँ। यह प्रोडक्ट आप अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के साथ साथ फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, होम सेंटर साथ में अदर शॉपिंग सेंटर से भी बाय कर सकते हैं। अमेजन से बाय करने के लिए बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दें। लिंक को क्लिक करके वहाँ से प्राइस भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना डिली किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आइटम है वॉल माउंटेड इनरवेयर ऑर्गेनाइजर रैक, जिसे वार्डरोब के साइड में इस तरीके से लगा सकते हैं, जिसमें सॉक्स इनरवेयर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसमें अलग अलग सेक्शन में डिवाइड भी कर सकते हैं। हाथों की मदद से प्रेस करके इस्तेमाल होने वाला ये है हैंड हेल्ड गार्लिक चॉपर, जिसमें गार्लिक के साथ साथ चिल्लीज को, स्पाइसेस को इस तरीके से चॉप कर सकते हैं। बाथरूम में सोप को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए क्यूट से यह है स्टैंड, जिसमें सोप को इस तरीके से रख सकते हैं। और एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन के लिए इसमें इस तरीके से सीप भी बनाया गया है। वॉल माउंटेड यह है बास्केट, जिसे किचन की वॉल में इस तरीके से लगा के इसमें स्पाइसेस के साथ साथ केचप, सोया सॉस, ऑयल, इन सभी के बोतल को इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। साथ में स्पैचुला इन सभी को भी रख सकते हैं। यह है क्लोथ ड्राइंग रैक, जिसे कम स्पेस में आप यूज कर सकते हैं। इसे बालकोनी में इस तरीके से लगा के अलग अलग इसमें रॉड में हैंगर अटकाने के लिए हुक से दिए हुए हैं, होल दिए हुए हैं। इसमें आप क्लोथ को ड्राई करा सकते हैं। किचन में इस्तेमाल होने वाला यह है स्टिक इंजेक्टर सीट, जिसमें इस तरीके से स्टिक को आप वेजिटेबल और नॉन वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली ग्रिल्ड आइटम बनाने के लिए बहुत ही यूजफुल है। किचन में यूज होने वाला छोटा सा ये है टूल, जिसकी मदद से आप गार्लिक को इस तरीके से अलग अलग पीस में स्लाइस कर सकते हैं। ऑयल को स्प्रे करने के लिए यह है पोर्टल, जिसमें पंप सिस्टम दिया हुआ है, जिससे ऑयल को इस तरीके से स्प्रे करके फॉट में आप स्प्रे करके ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉल माउंटेड फोल्डेबल ये है बास्केट, जिसे बाथरूम की वॉल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे वॉशिंग एरिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें स्पेशली कपड़ों को आप रख के लॉन्ड्री के लिए यूज कर सकते हैं। किचन में इस्तेमाल होने वाला ये है ट्रॉली, जिसे स्पेशली वेजिटेबल, फ्रूट साथ में अदर सामानों को भी इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें राउंड बास्केट दिए हुए हैं, जिन्हें आप रोटेट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक यह है नूडल्स मेकर मशीन, जिसमें सभी इंग्रेडिएंट्स को इसमें फिल करके इस तरीके से आप इसलिए घर में ही नूडल्स बना सकते हैं। घर के इस्तेमाल के लिए मशीन बहुत ही यूजफुल है। पोर्टेबल यह है ट्रॉली, जिसमें डबल बास्केट्स लगे हुए हैं। इसे स्पेशली आप वॉशिंग एरिया और बाथरूम में कपड़ों को इसमें रखने के लिए यूज कर सकते हैं। मल्टीफंक्शनल यह है रैक, जिसमें कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, साथ में इधर अदर सामानों को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। किचन काउंटर में और कॉर्नर में इस्तेमाल होने वाला यह है फोल्डेबल रैक, जो 3 टीयर का है। इसमें अलग अलग सेल्फ में आप स्पेसेस को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। पोर्टेबल यह मिनी चॉपर, जिसे रिचार्ज करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें गार्लिक, स्पाइस सभी को इजली चॉप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक यह है डोसा मेकर तवा, जिसमें इजली इस तरीके से आप डोसा बना सकते हैं। हैंडबैग को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए यह है स्टैंड, जिसे वॉल में और वार्डरोब के साइड में इस तरीके से हैंग करके अपने हैंडबैग को अच्छे से इसमें रख सकते हैं। 2 टीयर का यह है ड्रॉर ऑर्गेनाइजर रैक, जिसमें सामानों को ऑर्गेनाइज करके इसे किचन काउंटर और अंडर सिंक भी रख सकते हैं। वॉल माउंटेड यह फोन होल्डर है, जो वाटरप्रूफ है। इसे स्पेशली बाथरूम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे वॉल में लगा के इसमें मोबाइल को रख के आप यूज कर सकते हैं, मोबाइल को देख सकते हैं। कपड़ों को ड्राई करने के लिए, साथ में अदर चीजों को भी ड्राई करने के लिए बालकोनी में यह है स्टील का बना हुआ स्टैंड, जिसमें इस तरीके से इसे सेट करके बालकोनी में कपड़ों को ड्राई करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। राउंड शेप के एंटी स्लिप ये है पैड्स, जिसमें इस तरीके से आप इन्हें सोफा कवर, बेड शीट को एकदम सेट करके रखने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
कॉमन वॉशरूम में यूज होने वाला ये है स्टूल, जिसे इस तरीके से टॉयलेट सीट के ऊपर रख के आप यूज कर सकते हैं। कार क्लीनिंग के लिए यह है छोटे से क्यूरसे ब्रश, जिसकी मदद से कार के हर एक एरिया को आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और डस्ट को क्लीन कर सकते हैं। किचन के सिंक में यूज होने वाला ये है एडजस्टेबल रैक, जिसमें टॉवल और स्पंजों को इसमें इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। पोर्टेबल एंड फोल्डेबल ये है बल्ब, जिसे हैंग भी कर सकते हैं और इसे आप बालकोनी, स्ट्रीट गार्डन इन सभी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और घर के यूज के लिए भी ये बहुत ही बेस्ट है। वेजिटेबल ग्रेटर एंड स्लाइसर, जिसमें स्टोरेज बॉक्स भी दिया हुआ है, साथ में हैंडल भी दिया हुआ है, जिससे अच्छे से इसे पकड़ के आप वेजिटेबल, पोटैटो इन सभी को अच्छे से इसमें इस तरीके से स्लाइस कर सकते हैं और इन्हें इजिली वॉश भी कर सकते हैं। वेजिटेबल को क्लीन करने के लिए यह है ब्रश एंड पीलर, जिसे इस तरीके से ब्रश की हेल्प से स्क्रब करके वेजिटेबल को पील भी कर सकते हैं। ये 2-in-1 टूल है। सीरियल कंटेनर रैक, जिसमें सीरियल के साथ साथ में स्पाइसेस को भी इसमें फिल करके किचन में रख सकते हैं और कुकिंग करते टाइम इस रैक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सामानों को इजिली निकाल सकते हैं। ट्रांसपेरेंट कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइजर रैक, जिसमें अलग अलग सेल्फ दिए हुए हैं, जिसमें आप अपने कॉस्मेटिक सामानों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एंटी स्लिप ये है मैट, जिसे शावर लेते टाइम आप बाथरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे फ्लोर में फिसलने का डर नहीं रहता है। ये उसके लिए काफ़ी प्रोटेक्ट करता है, हेल्प करता है। पोर्टेबल ये है फ्लावर पॉट स्टैंड, जिसमें आप फ्लावर पॉट को अच्छे से इसमें रख सकते हैं और बालकोनी और इंडोर के लिए बहुत ही यूजफुल स्टैंड है। स्टैकेबल ये है डस्टबिन, जिसमें वेट और ड्राई वेस्ट को इसमें कलेक्ट कर सकते हैं, साथ में इस तरीके से स्टिकर लगा के अलग अलग सेक्शन में आप वेस्ट को इसमें डाल सकते हैं। बैटरी ऑपरेटेड ये है मशीन, जिन्हें स्विंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। आई होप कि आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ अमेज़न के न्यू कलेक्शन के वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।